सिरमौर जिला में विभिन्न निर्माण कार्यों से जुड़े कामगारों का प्रदेश भवन एवं कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकरण करवाने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा, ताकि यह कामगार इन योजनाओं का लाभ उठा सके। प्रदेश भवन एवं कामगार कल्याण बोर्ड से जुड़ी योजनाओं के संदर्भ में डीसी सिरमौर राम कुमार गौतम जिला मुख्यालय नाहन में आयोजित मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से बात करते हुए डीसी सिरमौर ने कहा कि 5 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक व्यापक अभियान सिरमौर जिला में चलाया जा रहा है और मकसद यही है कि कल्याण बोर्ड में पंजीकृत कर कामगारों को सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ मिल सके। डीसी ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत सिरमौर जिला में अभी तक 15,300 लोगों को पंजीकृत है और करीब 11,331 कामगारों को करीब 7 करोड़ की आर्थिक सहायता पिछले 6 सालों में उपलब्ध करवाई गई है। जिला सिरमौर में हमारा जो हिमाचल प्रदेश कामगार कल्याण बोर्ड बना हुआ है, उसके माध्यम से बहुत सारी स्कीमें चलाई जा रही हैं और उन स्कीमों का जो फ़ायदा है वो हमारे जो बेनिफिशियरी हैं जिनके लिए स्कीमें चलाई उन तक पहुंचना चाहिए। तो आपके माध्यम से मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि ऐसे कामगार जो कि किसी भवन निर्माण में कार्यरत हैं, जैसे हमारे मिस्त्री होते हैं, फिटर्स होते हैं और पेंटर्स होते हैं एट्सेट्रा, और या किसी अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर में कार्य करते हैं, सड़क निर्माण में लगे हुए हैं, नरेगा में लगे हुए हैं, वो सारे लोग जो हैं इन स्कीमों का फ़ायदा उठा सकते हैं। और उनके रजिस्ट्रेशन के लिए जो हमारी आयु सीमा होती है इसमें 18 से 60 वर्ष, और रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो है वो कोई ज़्यादा सर्टिफिकेट्स की या उसकी आवश्यकता नहीं होती है, कि उनका जन्म प्रमाण पत्र चाहिए आयु को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए कि उनकी आयु कितनी है। साथ में पिछले 12 महीनों में उन्होंने कम से कम 90 दिन जो है इन क्षेत्रों में कार्य किया होना चाहिए, नरेगा में कार्य किया होना चाहिए या फिर किसी भवन निर्माण में कार्यरत होने चाहिए या फिर किसी सड़क निर्माण इत्यादि में जो है वो कार्यरत होने चाहिए। और उस कार्यरत होने का जो सर्टिफिकेट है जिस के पास वो काम करते हैं उसका सर्टिफिकेट इसमें चल सकता है, या जिसके भवन निर्माण में उन्होंने कार्य किया उस व्यक्ति का भी सर्टिफिकेट इसमें चल सकता है। तो 90 दिन का सर्टिफिकेट लेकर और आयु प्रमाण पत्र की एक प्रति लेकर, साथ में 2 फोटो जो उनके होने चाहिए उसको लेकर जिला जो हमारा लेबर अधिकारी है उनके कार्यालय में, या जो हमारा कैंपेन अभी 5 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक चल रहा है जिसके अंतर्गत जो है सभी खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में एक पंजीकरण होगा, वहाँ पर जाके वो अपने आप को पंजीकृत करा सकते हैं। और पंजीकरण के शुल्क केवल मात्र जो है वो 9 रुपया है, और 1 रुपया पंजीकरण शुल्क है, 9 रुपया उनका अंशदान जो है वो उस कामगार से इसमें लिया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि ये जो स्कीम है इसका फ़ायदा जो है लोगों तक पहुँचना चाहिए, और जो लाभार्थी इसके लिए जो एलिजिबल हैं वो सारे लोग जो इसके अंदर अपना पंजीकरण कराएँ। और ये पंजीकरण के लिए हमने एक स्पेशल कैंपेन जिला सिरमौर में चलाया जा रहा है 5 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक, जिसके अंतर्गत सभी खंड विकास अधिकारी कार्यालयों में जो है जिला लेबर अधिकारी के माध्यम से पंजीकरण किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो है इन दिनों में 5 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक संबंधित खंड विकास अधिकारी कार्यालय में जा सकता है और वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन जो है उसमें करवा सकता है। अभी तक हमारे पास जो 15,000 कामगार ही पंजीकृत हैं, जिसमें जो है वो 5,000 के करीब जो हैं वो मनरेगा के हैं और 10,000 जो कामगार हैं लगभग वो अन्य क्षेत्रों में जो कार्यरत हैं वो लोग हैं। और 1996 से लेकर जब से बोर्ड बना था आज तक लगभग 7 करोड़ के आसपास धनराशि जो है आर्थिक सहायता के रूप में इन कामगारों को वितरित की जा चुकी है।